नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश कुमार साहू और मैं एक कलाकार हूँ और मुझे फैशन में हमेशा से बहुत ही रुचि रही है। मुझे हमेशा ह्यूमन बॉडी के जेस्चर्स और मूवमेंट्स को पढ़ने में भी काफ़ी रुचि रही है, तो मैं ज़्यादातर फैशन इलस्ट्रेशंस बनाता हूँ जहाँ मेरे दोनों फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। क्योंकि मुझे फैशन में काफ़ी रुचि है, मैं दुनिया भर में जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनको स्टडी करता हूँ और जो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस डिज़ाइनर या इस आर्टिस्ट का काम मुझे इंस्पायर करता है, तो मैं उनके काम को अपने कला के सहारे इस चैनल पर प्रस्तुत करता हूँ। इस हफ्ते एक अमेरिका में रहने वाले ड्रैग आर्टिस्ट्स के बारे में भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा फ्यूचर में, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहा। लेकिन एनीवे, एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है मनीला लुज़ोन। ये एक बहुत माने हुए और लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और इनका जो सेंस ऑफ फैशन है, जो सेंस ऑफ स्टाइल है, मैं उसे बहुत मानता हूँ। और इनकी स्पेशलिटी यही है कि ये बहुत ही नए और उम्दा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और उसे बहुत ही उम्दा तरीके से एग्जीक्यूट भी करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है लेकिन एग्जीक्यूशन में कमी हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इस हफ्ते इन्होंने मार्को नाम के डिज़ाइनर हैं उनके द्वारा बनाया हुआ आउटफिट पहना था। रूपॉल्स ड्रैग रेस के नाम से एक शो आता है, उस पर ये आउटफिट स्पेगेटी, जो कि एक इटालियन डिश है, सिंपल शब्दों में कहूँ तो पास्ता है जिसमें लंबे लंबे धागों की तरह, ऑलमोस्ट नूडल्स की तरह इसका पास्ता होता है। उन्होंने इस खाने की चीज़ को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से कपड़ों में ढाला है और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगा हो ये ड्रेस। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़रूर लौट के वापस आएँ। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊँगा। धन्यवाद।